किसान साथियों, खेती किसानी में किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वह है सिंचाई जल की। धीरे धीरे भूमिगत जल कम होता जा रहा है और किसानों की जो खेती है सूखती जा रही है और किसान सिंचाई जल के अभाव में अपने पूरे रकबों में खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं, फसलें नहीं उगा पा रहे हैं। इसलिए आज का हमारा वीडियो विशेष फोकस करेगा उन किसान साथियों के लिए जिनके पास कृषि रकबे तो पर्याप्त है परंतु सिंचाई जल की व्यवस्था बहुत कम है और वो अपने पूरे रकबे में खेती नहीं कर पा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम चर्चा करेंगे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही मिनी स्प्रिंकलर अनुदान योजना के बारे में, जिसके तहत किसान साथी राज्य सरकार की अनुदान योजना का लाभ लेते हुए बहुत ही कम पैसों में अपनी कृषि भूमि पर मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम को लगा सकते हैं और इससे आप लगभग 45 से 50% अपने सिंचाई जल की बचत करके अपने जो अन्य सूखे रकबे हैं उनमें भी खेती कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज का वीडियो आपको ऐसी जानकारियां देने वाला है जिसे जानकर आप कहेंगे कि इतने दिन पहले अगर अपन इस सिंचाई अनुदान योजना का लाभ ले लेते तो निश्चित तौर पर अपना जो रकबा है उसमें पूरे में खेती कर पाते और एक अच्छा लाभ ले पाते। मिनी स्प्रिंकलर अनुदान योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए आज हमारे साथ है बालाजी ट्रेडिंग कंपनी इरीगेशन सोल्यूशन के सुभाष जी चौधरी साहब, और वो हमें जानकारी देंगे कि किसान साथी किस प्रकार से इस अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार से यह आपके लिए फायदेमंद होगी। तो चलिए मिल लेते हैं सुभाष जी से और जान लेते हैं मिनी स्प्रिंकलर अनुदान योजना की पूरी जानकारी, जो आपको निश्चित तौर पर सीधा आर्थिक लाभ तो देगी, साथ ही साथ आपको अपनी खेती किसानी में उपलब्ध भूमिगत जल के अधिकतम उपयोग की राह आसान करेगी। आइए सुभाष जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेतरी तकनीक में, और आज हम किसान साथियों के लिए आपसे जानकारी लेना चाहेंगे मिनी स्प्रिंकलर अनुदान योजना के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा किसान साथियों की ओर से, भाई किसान साथी फव्वारे का सिंचाई में उपयोग कर रहे थे, पर आजकल देख पा रहा हूँ कि मैं अधिकांश किसान साथियों ने मिनी फव्वारा सिस्टम अपना लिया है, तो कोई विशेष फायदा हो रहा है कि इससे? हाँ जी सर, इसका विशेष फायदा ये है कि एक तो मिनी फव्वारे से अपने मतलब फव्वारे से ज्यादा क्षेत्रफल में खेती कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, बार बार लाइन पलटने का सिस्टम वो खत्म। जी, मिनी फव्वारे से पानी की सिंचत होती है वो बहुत कम होती है। जी जी, आपका कहने का मतलब है किसान साथियों की भी आप अगर मिनी फव्वारे को काम में ले रहे हैं तो आपकी जो पानी की सिंचत है वो कम होगी, अगर पानी की सिंचत कम होगी, पानी बच रहा है, तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा रकबे में खेती कर पाएंगे। ज्यादा रकबे में खेती कर पाएंगे। तो सुभाष जी, कौन किसान साथी इसे मिनी स्प्रिंकलर अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं, क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया होंगे वो हमारे किसान साथियों को बताएं, ताकि जो भी किसान साथी कम पानी में अधिक रकबे में खेती करना चाह रहे हैं वो इस अनुदान योजना का लाभ लेकर अपनी खेती को आगे बढ़ा सके। हर एक किसान इसका अनुदान ले सकता है। जी, किसान के मतलब 0.2 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। अच्छा, इसके लिए जी जी वो ऑनलाइन कर सकता है इसका। जी, तो क्या कहाँ से आवेदन करें इसका? और ई मित्र से आवेदन कर सकता है, राज किसान पोर्टल पर इसका आवेदन होगा। जी, इसके लिए उनको जमाबंदी, बिजली का बिल और जन आधार में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। जी, वो किसान इसका आवेदन कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी? इसके अलावा मिट्टी पानी की रिपोर्ट भी जरूरत पड़ती है, कोटेशन की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो जिस अपन फर्म से करवा रहे हैं उस फर्म से अपन को मिल जाता है। अच्छा, वो फर्म इस कार को उपलब्ध करवा देती है फर्म। जी जी, किसान साथी ध्यान दे, सुभाष जी का कहना है कि अगर आप मिनी स्प्रिंकलर अनुदान योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप राज किसान पोर्टल पर जाए और वहां से इसके लिए आवेदन कर दे। आवेदन के लिए सुभाष जी बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो जो आपकी कृषि भूमि है उसकी नवीनतम 6 माह से पुरानी न हो, जमाबंदी और नक्शा चाहिए, इसके साथ आपका आधार और जनाधार कार्ड। जनाधार के लिए सुभाष जी बता रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप आवेदन करने जाएंगे तो उस पर ओटीपी आएगा और जब तक आपका ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे मिट्टी पानी की जांच है, सिंचाई जल स्रोत का प्रमाण पत्र है, कोटेशन है या उसका डिजाइन वगैरह है, वो आप जिस भी फर्म से लगा रहे हैं उस फर्म से आपको उपलब्ध हो जाएगा, फर्म आपको उपलब्ध करवा देगी। साथ ही साथ आप ध्यान दें, आप जिस किसी भी फर्म से इसकी खरीद करना चाह रहे हैं वो कृषि विभाग से अनुमोदित होनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि आप बिना अनुमोदित फर्म से इसकी खरीद कर ले और बाद में आपको अनुदान राशि से हाथ धोना पड़ जाए और सौदा आपको महंगा पड़ जाए। सुभाष जी, जैसे किसान साथी ने डॉक्यूमेंटेशन ले गया, ई मित्र से उसने आवेदन कर दिया, अच्छा आवेदन के बाद क्या स्थिति रहेगी, किसान साथी कहाँ संपर्क करें? आवेदन के बाद में यह स्थिति रहेगी, पहले इनकी ईएस निकलेगी। अच्छा, प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी, उसके बाद में ही मतलब किसान साथी सामान खरीद सकता है। अच्छा अच्छा,
किसी भी फ्रेम से सामान खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। तो किसान साथी ध्यान दें, जैसे ही आप राज किसान पोर्टल पर आवेदन करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स सीधे विभाग को प्राप्त होंगे, विभाग द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी में अगर आपके डॉक्यूमेंट सही सही पाए जाते हैं तो विभाग के द्वारा आपको एएस प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में फॉल्स पाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति सही नहीं की आपने, तो आपको विभाग की ओर से सैंडबैग मिलेगा और उस सैंडबैग की आप प्रतिपुष्टि करके दोबारा से आवेदन कर दे, फिर आपको एएस प्राप्त हो जाएगी। और सुभाष जी कह रहे हैं कि भाई जब तक आपको प्रशासनिक स्वीकृति जारी न हो तब तक आप जो आपका मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है न खरीदे, क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद अगर आप अनुमोदित फर्म से खरीद रहे हैं तो आपको जो आपकी अनुदान राशि है उसका पूरा लाभ मिलने वाला है। सुभाष जी एएस जारी हो गई, किसान ने मिनी फार्मर सिस्टम खरीद लिया, काम में ले रहा, इसके बाद की भी किसान की कोई प्रक्रिया रहेगी? जी सर, उसके बाद में किसान की ये प्रक्रिया रहेगी, इसका भौतिक सत्यापन करवाना होगा। अच्छा, भौतिक सत्यापन करवाना होगा, कौन करेगा इसका भौतिक सत्यापन? भौतिक सत्यापन हमारे अधिकारी जी करेंगे। अच्छा, जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, अधिकारी तो लगने के बाद उनको सूचित करना पड़ेगा या अपने आप आएंगे, क्या स्थिति रहेगी? नहीं, वो खुद सूचित करेंगे। कौन? कृषि अधिकारी आपको सूचित करेंगे? किसान को वो खुद सूचित करेंगे, फोन करेंगे जी भाई आपके जो सिस्टम है वो लग गया है या नहीं लगा, लग चुका या नहीं लगा। अच्छा अच्छा, अच्छा लगने के बाद भौतिक सत्यापन किया जाएगा, फिर उसके भौतिक सत्यापन से फायदा क्या होने वाला है? उसके बाद में जो सब्सिडी मिलेगी जी, वो सब्सिडी का फायदा ये है भाई, किसान अगर आप पेमेंट करके खरीदता है सामान जी जी, तो अपने अकाउंट में सब्सिडी ले सकता है जी, डीलर के द्वारा खरीदता है जी जी, तो वो सब्सिडी डीलर के खाते में आएगी जी जी। ये भी जरूरी है भाई, किसी को भी नुकसान नहीं लगना चाहिए। तो किसान साथी ध्यान दे, जैसे आपका मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम आपके खेत में इंस्टॉल हो जाता है तो आप फर्म के माध्यम से या व्यक्तिगत भी अपने जो कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क कर सकते हैं, या सुभाष जी के कहने के अनुसार भाई एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद अधिकारियों के खुद के डिपार्टमेंट से फोन आ जाते हैं, तो आप जो भी स्थिति है उससे अवगत करवा दे, अधिकारी आएंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे और उस भौतिक सत्यापन को वो ऑनलाइन उस पे अपडेट करेंगे। तो अगर आप पूरे पैसे देकर मिनी फार्म वाला सिस्टम खरीद रहे हैं तो आपके खाते में अनुदान आ जाएगा, या फर्म के द्वारा खरीद रहे हैं तो फर्म के खाते में अनुदान राशि चली जाएगी, केवल आपको किसान हिस्सा राशि देनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए भाई, जैसे किसान साथी इस मिनी फार्म वाला सिस्टम को लगाना चाह रहे हैं तो लगभग एक हेक्टेयर के लिए किसान साथियों को कितनी राशि देनी पड़ेगी अपनी हिस्सा राशि? इसमें हर कंपनी की अलग अलग डिमांड होती है जी जी जी, तो इसमें लगभग 40 से 45 हजार रुपए के समथिंग किसान साथी को हिस्सा राशि काट कर देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, किसान साथी ये भी ध्यान दे कि भाई सुभाष जी का कहना है कि अगर आप अच्छी फर्म की मिनी फवारा सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको 40 से 45 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप किसी कम क्वालिटी वाली, लो क्वालिटी वाली अगर फर्म का सिस्टम लगा रहे हैं तो हो सकता है आपको कम भी भुगतान करना पड़े। सुभाष जी, जैसे कई किसान साथियों ने ड्रिप इरिगेशन लगा रखी है या हमारा सिस्टम लगा रखा है और उस पे अनुदान ले रखा है, तो फिर उन किसान साथियों को भी इस मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम पे अनुदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें यह है सर कि किसान को अनुदान 5 हेक्टेयर तक मिलता है। अच्छा, टोटल 5 हेक्टेयर? टोटल 5 साल में 5 हेक्टेयर तक का अनुदान मिलता है जी जी। अगर उसने 1 हेक्टेयर में ड्रिप का अनुदान ले लिया जी जी, तो बाकी 4 हेक्टेयर में मिनी का अनुदान ले सकता है। अच्छा, मिनी फवारे का भी अनुदान ले सकता, ले सकता है। अच्छा, और अगर फवारे पे अनुदान ले रखा है जी, तो इसमें जो फवारे का अनुदान है वो इस समय कट के फिर अनुदान मिलेगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे किसान साथी के पास 5 हेक्टेयर जमीन है, हाँ, तो उसपे पूरी पे वो 5 साल के लिए अनुदान ले सकता है। अगर ड्रिप इरिगेशन पे उसने ले लिया तो बाकी की जो जमीन है उसपे वो मिनी पे ले सकता है। ले सकता है। अच्छा, फवारे का आप कह रहे हैं कि भाई जैसे फवारा सेट उसने लिया तो फवारे सेट चाहे किसी कितनी पे भी ले, उसके अनुदान राशि किसान साथी को जो उसका अनुदान राशि मिलेगी वो कटके ही मिलेगी। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ये, क्योंकि कई बार किसान साथी इस कंफ्यूजन में रहते हैं भाई हमने तो फवारे पे अनुदान ले लिया, अब हमारे को अनुदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसान साथी ध्यान दे, किसान साथियों के पास जो भी रकबा है अगर उसमें से कुछ रकबे पर उन्होंने ड्रिप इरिगेशन पे या अन्य किसी सिंचाई संयंत्र पे अनुदान ले लिया है तो बाकी बचे हुए पे वो मिनी फवारे पे अनुदान ले सकता है। सुभाष जी के कहे अनुसार अधिकतम किसान साथी 5 साल में 5 हेक्टेयर पर कृषि संयंत्रों पर अनुदान उठा सकते हैं। अगर आपने फवारा सिस्टम पे अनुदान लिया है तो आपका जो फवारे का अनुदान मिला है वो इस मिनी स्प्रिंकलर वाले जो अनुदान है उसमें कम होकर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। अच्छा सुभाष जी, आपने मिनी स्प्रिंकलर अनुदान योजना की जानकारी तो दे दी, भाई किसान साथियों को कैसे आवेदन करना है और किस प्रकार से उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अच्छा, इसमें अनुदान की राशि क्या होती है ये भी हमारे किसान साथियों को बता दें। सामान्य के लिए इसमें
70% है अनुदान। जी जी। महिलाओं के लिए 75% है, एस सी एस टी के लिए 75% अनुदान है, और लघु काश्तकार के लिए भी 75% है। लघु काश्तकार के लिए 75 है। तो किसान साथी ध्यान दे, जो बड़े काश्तकार है, सामान्य किसान है, उनको 70% अनुदान दिया जाएगा, और जो एस सी एस टी महिला और लघु काश्तकार है उनको 75% सब्सिडी विभाग के द्वारा दी जा रही है। सुभाष जी, जो किसान साथी मिनी फवारा लगवाना चाह रहे हैं तो आपसे जैसे संपर्क करना चाहिए तो कहाँ संपर्क करें? हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, जो जालसू में हमारा ऑफिस है। जी जी। स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए हुए हैं। जी जी, आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि भाई आप अभी वर्तमान में राजस्थान के कौन कौन से जिलों में सेवाएं दे रहे हैं, ताकि जो किसान साथी आपकी सेवा क्षेत्र में आते हैं उनको ज्यादा असुविधा का सामना न करना पड़े। हम जयपुर में, दौसा में, बीकानेर में, नागौर में, सीकर में, हाँ, इन जिलों में हम अभी सेवाएं दे रहे हैं। तो इन जिलों में निवास करने वाले किसान साथी स्क्रीन पर दिए हुए बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो किसान साथी जयपुर में रहते हैं या जयपुर आसपास में रहते हैं, वो इनके प्रतिष्ठान बालाजी ट्रेडिंग कंपनी इरिगेशन सॉल्यूशन पे जालसू में संपर्क कर सकते हैं। इनकी सुविधाएं हमने देखी है, सेवाएं हमने देखी है, बहुत ही उम्दा और ट्रस्टेड है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को एक बार सेवा का मौका जरूर दें। निश्चित तौर पर आपकी जो मिनी स्प्रिंकलर अनुदान योजना है वो आपको सीधा आर्थिक लाभ तो देगी ही देगी, साथ ही साथ आपका जो सीमित सिंचाई जल है उसका भी आप बेहतर तरीके से प्रबंधन कर पाएंगे। मिनी स्प्रिंकलर अनुदान योजना के बारे में अगर आप और किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ स्क्रीन पर दिए हुए बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के कॉन्टेक्ट नंबर या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जरूर जुड़ जाएं, ताकि खेतीबाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की तकनीकी खाद बीज एवं फर्टिलाइजर रोग प्रबंधन से संबंधित जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही राज्य सरकार की अनुदान योजनाओं की जानकारी लेकर, जो आपको सीधे आर्थिक लाभ तो देगी देगी, साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन कृषि प्रबंधन की भी राह आसान करेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।